देखिए ठग जो है ना वो अलग अलग रूप में होते हैं, तो हम सब ने अनुभव किया आई थिंक ठगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोमेंट्स में, तो वो एक्सपीरियंस शायद हम सभी को हुआ है। अभिजी वही जो उन्होंने कहा सही है। अच्छा अभिजी, इसके बाद आप झुंड पे झुंड की तरफ रुख करने वाले हैं, जरा उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। सर वो नागराज जी की फिल्म है झुंड, और बस जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद उसमें काम शुरू होगा नवंबर में ही, और एक रियल लाइफ स्टोरी है ये। बरसे साहब हैं जिन्होंने जो लोग अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं या जो चौल वगैरह में रहते हैं या जैसे धारावी में बच्चे हैं जो कि गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको लेकर के उसने एक फुटबॉल टीम बनाई, और जब से मैंने उसकी चर्चा की तब से आमिर भी बहुत आग्रह कर रहे थे कि सर आप ये फिल्म ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आमिर साहब किसी चीज़ को एंडोर्स कर देते हैं तो आप समझ जानते हैं कि क्या होता है, तो वो करने जा रहा हूँ। आमिर सर आपके राइट में, ऑन द राइट। हाँ जी जी जी। आज एक बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पहले से ही ब्लॉकबस्टर हम कह रहे हैं उसको। कल एक ब्लॉकबस्टर फोटो रिलीज हुआ था आपका रणबीर, दीपिका और शाहरुख के साथ में, वो भी बहुत वायरल हो रहा है जो करण जौहर ने शेयर किया, और हम सबको बड़ा दुख है कि हमें बुलाया नहीं गया। और कटरीना और मैं यही बात कर रहे थे कि यानी हमको डिमोरलाइज करने से पहले ये बात बोल देनी चाहिए, छोड़ दी इन्होंने अभी जो हम लोग वहां इंतजार कर रहे थे। भाई साहब we are all very upset that we were not called. You take care of this now. आपका सवाल क्या था? कि आज एक ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, कल वो ब्लॉकबस्टर फोटो रिलीज हुआ जो बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जी। जो करण जौहर ने शेयर किया है, शाहरुख आप रणबीर दीपिका सारे एक ही फ्रेम में हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे कैसा रहा? बस हम लोग कभी कभी मिलते हैं, मजा आता है, हम लोग वक्त साथ बिताते हैं। हीना कुमावत, हॉट फ्राइडे टॉक्स हिंदी से, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात जो है वो है अमित सर और आमिर की जोड़ी। जैसा कि सवाल पूछा गया और अमित जी ने बोला कि इस मंच पर सच बोलना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी, मुझे बहुत सरप्राइज होता है, क्या इससे पहले आप दोनों को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई थी या करने का मौका ही नहीं मिला? जी सच्चाई ये है कि कई फिल्में ऑफर हुई, भाई साहब ने इनकार कर दिया। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब इनके साथ काम करने का अवसर मिला है मुझे। आमिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी अमित जी ने कहा है तो मैं उनकी कोई भी बात को नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी फिल्म थी जो इंद्र कुमार बनाने वाले थे, उसका नाम था रिश्ता, और वो अनाउंस हुई थी बहुत पहले, लेकिन फिर वो काफ़ी वजहों से नहीं बनी, इंदु जी की ज़िंदगी कहीं और चली गई, तो ऐसा मौका एक दफ़ा आया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं, और तब से मैं अब तक इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले, और अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं। तो बहुत बहुत सालों से मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप एक, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि आमिर खान केवल आमिर खान ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग जीनियस भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं, और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, उसके बाद जाकर के एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, तो इनके साथ मुकाबला करना बड़े कठिन काम हो जाता है। तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए, हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए, पीछे झंडा उंडा हम हिलाते रहेंगे, ये मान ही नहीं रहे, कब से मैं इनको बोल रहा हूँ। सर आज सबके सामने सार्वजनिक कर दिया है मैंने ये बात, आप इनकी बात नाउ यू हैव टू मान रही, यू हैव टू मान ली मैंने अमित जी की बात, प्लीज इसको आप एडमिट कर लीजिए भाई साहब। अब आपको एक फिल्म देनी पड़ेगी। सर मेरी ये खुश नसीबी होगी अगर मैं, और दो तीन मैंने आइडिया भी दिए इनको कि भैया इस पे कहानी बनाओ, तो ये कहते हैं अच्छा सोचता हूँ मैं, और दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने इनसे कहा ये बहुत अच्छी कहानी रहेगी अगर आप करेंगे तो मैं इसमें, अच्छा सोचता हूँ मैं, और सोचते सोचते कई बरस बीत गए। मेरा एक और सवाल है आपसे, जो पूरे ट्रेलर में जो बहुत अच्छी बात लगी, आप गधे पर क्यों सवार हैं? मतलब कुछ खास आपके कैरेक्टर के साथ उसकी कुछ सिमिलैरिटी आई? सर ये कहानी जो है और किरदार जो है वो विक्टर साहब ने लिखा, आप ही बस समझाइए आपने मुझे गधे पे क्यों बैठा दिया, और बड़ा मुश्किल था उस पर बैठना, इतना आसान नहीं था।
सर आप बहुत मुश्किल रोल बड़ी आसानी से निभा जाते हैं, तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और वो मैं आपको 8 तारीख को दिखा दूंगा, तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी। पर फिलहाल ये है कि ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने आपने हीरोज़ को देखा होगा, लैम्बोर्गिनी पे आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज से आता है, कोई पानी से निकल आता है, ये हीरो ऐसा है, ये गधे पे आता है और सबको ठग के जाता है। एंड द डोंकी इज अ वेरी फिलोसॉफिकल एनिमल, दैट्स द थीसिस ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म। विक्टर, ये पूरी ये जो जर्नी है, हाय सेंटर जी जी यहाँ पे, जो पूरी जर्नी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, हम सब ट्रेलर हमने देखा, इसका पूरी जर्नी में जो चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा कैनवस, एक पीरियड फिल्म बनाने में आई थिंक काफ़ी कुछ चुनौतियाँ रही होंगी, क्या कुछ चैलेंजेस रहे? ये चैलेंजेस बताने में 2 साल लगेंगे। उतना समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ समथिंग लाइक दिस विच इज इन ऑल ह्यूमिलिटी आई थिंक वी वुड लाइक टू से दैट एज अ टीम वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज प्रॉबली नॉट बीन अटेम्प्टेड बिफोर इन मेनी वेज, सम ऑफ इट वुड बी टेक्निकल, सम ऑफ इट वुड बी लॉजिस्टिकल, तो उसमें चुनौतियाँ बहुत आई और चुनौतियों के ऊपर जीतना भी आया, और सबसे ज़्यादा मज़ा उस बात का है कि आप सेट पे जाते हैं और शाम को आप बहुत थक के लौटें लेकिन आपको लगे कि हमने आज कुछ किया जो जो अच्छा हुआ। दैट्स अबाउट इट आई थिंक। आमिर आमिर अमित जी, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस हियर ऑन द ट्रेलर। एज समवन हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। तनुश्री दत्ता रिसेंटली लाइक शी अक्यूज्ड वेटरन एक्टर नाना पाटेकर ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट ऑन द सेट्स ऑफ अ मूवी। I want to ask, especially Amir and Amit ji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. Sir, na to mera naam Tanushri hai aur na hi Nana Patekar. Kaise uttar do aapke sawal ke? Well.